हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बात करेंगे हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो लिखो हेडिंग, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस में कोई न्यूक्लियर पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं ऑन द न्यूक्लियस एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो लिखेंगे न्यू पॉसिबिलिटीज इज इमर्ज व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ सम आइसोटोप्स आर बम्बार्डेड विद न्यूक्लियर पार्टिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन इज आर्टिफिशियल CIEL आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन। फिशन का मतलब लार्जर न्यूक्लियाई का स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, दैट इज कॉल्ड फिशन। तो ये फिशन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड होता है, तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट एटॉमिक बॉम्ब और द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। चलो उसकी बात करेंगे अभी। तो नई पॉसिबिलिटी इमर्ज करती है विद द न्यूक्लियस ऑफ सम आइसोटोप्स आर बम्बार्डेड विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन। अच्छा, यहीं पे पहले बात करेंगे वो कि रिप्रेजेंट कैसे करें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा देखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में अंतर क्या है। नेचुरल वाले में तो हम कोई बम्बार्ड नहीं करते, हम कोई प्रोजेक्टाइल नहीं मारते, हम कोई पार्टिकल न्यूक्लियस पर नहीं फेंक के मारते, बस न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली अपने आप डिकम्पोज होता है एंड गिव्स अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। तो इसे बोलते हैं हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर हम बम्बार्ड करते हैं कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, मोस्ट कॉमन इज न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से लॉट ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड और कैन बी ऑप्टेन्ड, दैट वी विल लर्न इन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। अभी तो बात करते हैं, चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे ये बेरिलियम 4 9, मान लो अल्फा पार्टिकल इस पर इम्पिंज करता है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको स्ट्राइक करवाया ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम एटम, तो इट फॉर्म्स कार्बन 6 12 एंड हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स आर इमिटेड आउट एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। आपको अगर याद भी आ गया होगा, दिस इज द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंट था। तो चैडविक ने बम्बार्ड किए थे अल्फा पार्टिकल्स ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम फॉयल, बेरिलियम फॉयल पर, तो उससे ये रिएक्शन बनी थी और नए टाइप के पार्टिकल बने थे जिसे बोला गया था न्यूट्रॉन, विच आर अनचार्ज्ड, नो नेट चार्ज ऑन इट। तो ये न्यूट्रॉन थे। अब इसको सिंबल कैसे करें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, बेरिलियम ये वो न्यूक्लियस है जिस पर स्ट्राइक कर रहा है, पहले जो आएगा ब्रैकेट में वो होगा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, दैट इज अल्फा, एंड देन लिबरेटेड इज न्यूट्रॉन एंड देन द प्रोडक्ट C6 12, दिस इज प्रोजेक्टाइल
दिस इज इमिटेड पार्टिकल. यहां अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है. प्रोजेक्टाइल मतलब इसको स्ट्राइक करवाया गया है ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम. तो ये रिप्रेजेंटेशन है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का. बात आती है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन. आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की, ए फिशन और न्यूक्लियर फिशन. इसमें भी अभी हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिशन इज न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? ये प्रोजेक्टाइल है. न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन. जैसे एग्जाम्पल लें, मान लो एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लेते हैं, दिस इज यूरेनियम 235 प्लस 0N1. दिस इज प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन. इट फॉर्म्स बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टॉन 3689 प्लस बैलेंस करोगे तो 3 न्यू न्यूट्रॉन आर इंड्यूस्ड. तो एक तरीके से ये चेन रिएक्शन हो गई. वाई चेन रिएक्शन? क्योंकि ये तीन पार्टिकल बने हैं, ये फिर टकराएंगे U235 से और U235 से. यहाँ एनर्जी E लिबरेट हुई है, तो नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी 3E लिबरेट होगी, उसके बाद 3² E लिबरेट होगी, एंड लाइक दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लिबरेट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड आउट. तो एक न्यूट्रॉन अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो 3 न्यूट्रॉन को जनरेट कर रहा है और 3 यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा. तो एक चेन रिएक्शन है, बहुत फास्ट हो जाती है रिएक्शन. इतनी फास्ट हो जाती है कि अगर कंट्रोल ना की जाए तो इट बिकम बॉम्ब. तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इज यूज्ड एज न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन. और यही अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इज एटॉमिक बॉम्ब और एटम बॉम्ब. ये वही एटम बॉम्ब है जो हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ल्ड वार के टाइम पे यूएस ने, अमेरिका ने जापान के ऊपर डाला था, जिससे सो मेनी पीपल, लैक्स ऑफ द पीपल डाइड ऑल टुगेदर एंड अ ह्यूज डिवास्टेशन कुड अकर बिकॉज ऑफ दिस. तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इज एटॉमिक बॉम्ब, दैट इज ऑल्सो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड. तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन और एक चेन रिएक्शन बन जाती है, जैसे मैंने यहां किया ये. तो इस तरीके से आप ये कहते हो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट विच गिव्स अस एनर्जी. जैसे कोटा में भी है वो BARC का जो पावर प्लांट है, रावत भाटा इज क्वाइट फेमस. इट इज अ बिग प्लांट ऑफ हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन के एग्जाम्पल होते हैं. दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? फिशन में तो टूटना, फ्यूजन में जुड़ना. लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ मान लो हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा
डू कंबाइन और फ्यूज टू फॉर्म लार्जर न्यूक्लियाई एंड रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. स्टार्स में जो एनर्जी जनरेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन. तो एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स फॉर एग्जाम्पल सन के अंदर इतनी हीट है, इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है एंड दैट इज गिविंग लाइफ टू सो मेनी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आर अर्थ. तो हमारी पृथ्वी पे जो सनलाइट आ रही है उसके बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है. तो सूर्य की पूजा भी करते हैं हम, गॉड सन. तो सन गॉड की पूजा इसलिए तो करते हैं बिकॉज इट इज लाइफ गिविंग. तो एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फ्यूजन, सो दीज आर द कॉमन रिएक्शंस दैट अकर. रिएक्शन इज लाइक 1H1 प्लस 1H1 इट फॉर्म्स 1H2 प्लस 1E0. दिस इज पॉजिट्रॉन इमिशन प्लस ए लॉट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड आउट लाइक 1H2 फर्दर कंबाइन्स विद 1H2 टू गिव्स 2HE3 प्लस 0N1 प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. सो लाइक दैट की दीज केमिकल रिएक्शंस डू अकर. अदर काइंड ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो कुड बी देयर. 1H2 प्लस 1H1 एंड एनर्जी एंड सो ऑन. So such kind of reactions do go on, reactions, nuclear fusion on Earth, on Sun. Sun per these reactions and this energy is such a huge amount that is the responsible for the energy generation in stars like Sun. अच्छा, इसी के concept पर based होता है hydrogen bomb. Hydrogen bomb is based on the concept of nuclear fusion. कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, अगर वो जैसे कहते तो हैं कि US एंड रशिया एंड सम ऑफ द कंट्रीज दे हैव द हाइड्रोजन बॉम्ब. अब ये तो प्रूफ नहीं है किसी के पास. कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले नॉर्थ कोरिया वॉज ऑल्सो सेट टू हैव द हाइड्रोजन बॉम्ब. तो दैट वॉज अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द वर्ल्ड. जानते हो तानाशाह है, वो डिक्टेटर है. तो गोलू भाई गोल गोल दिखता है वो एकदम. तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. कहते हैं कि अगर ये अगर एक्सप्लोड हुआ तो इट में वाइप द एंटायर साइन ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो, सब कुछ खत्म कर देगा. बट इतना आसान नहीं है कि हाइड्रोजन बॉम्ब लिया और उसमें बत्ती में आग लगाई और वो फोड़ दिया. नहीं, ये न्यूक्लियस हैं और न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन करना है तो कोलंबिक रिपल्शन होते हैं. सो यू हैव टू ओवरकम द कोलंबिक रिपल्शन बैरियर. सो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज नीडेड टू लिख भी तो इस बात को टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर फ्यूजन. A high temperature is needed to overcome the Coulombic repulsion barrier.
हालांकि ये पोर्शन फिजिक्स वाले थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, उनको डिटेल में भी पढ़ना होता है इन मॉडर्न फिजिक्स, बट हमें केमिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है दैट ऑल्सो वी हैव टू टीच एटलीस्ट दैट मच. तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन. टू इनिशिएट ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अ हाई टेम्परेचर इज नीडेड टू ओवरकम द कोलंबिक रिपल्शन बैरियर. कहते भी हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ना हो तो छोटे मोटे टेम्परेचर से काम नहीं बनेगा, लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज नीडेड टू इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ना हो तो बाजू में उसके क्या फोड़ना पड़ेगा, एटॉमिक बम, एटम बम छोड़ो, तब उसके बाजू में रखा हुआ न्यूक्लियर बम जो है एक्सप्लोड होगा. सो लाइक दैट इट इज सैड जस्ट टू मेक यू फील दैट ह्यूज हाई टेम्परेचर इज नीडेड एंड हाई अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू ओवरकम द कोलंबिक रिपल्शन बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन और न्यूक्लियाई कॉम्बिनेशन टू इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूजन. तो इस तरीके से ये था पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन सफिशियंट है बाय 11th क्लास स्टूडेंट्स आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. मैंने शुरू में भी कहा था जब वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने बताया था इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसका कुछ पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाते हैं और रिमेनिंग पोर्शन हम पढ़ लेते हैं आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है, यहां तक जो पढ़ाया मैंने इस लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 4 तक, ये 11th क्लास के स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में पढ़ सकते हैं. तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेस्ड ऑन इट. मान लो लेट अस टेक सम क्वेश्चन ऑन इट. जैसे मान लो एक सवाल ये है, एज्यूमिंग दैट the charged particles emitted during natural decay of U 92 to 35 atoms are alpha and beta particles only. ठीक है, which of the following products not possible? Products is आर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल. अच्छा कौन से ऑप्शंस, ए एक्टिनियम 89 to 31, बी एक्टिनियम 89 to 27, सी एक्टिनियम 89 to 25, एंड डी ऑप्शन लेड 82 to 07. देख लो क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट द चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग नेचुरल डिके ऑफ यू 92 35 आर अल्फा एंड पार्टिकल्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. जरा देखना 231, हाँ एक अल्फा पार्टिकल रिमूव हुआ होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल रिमूव हुआ होगा 231 आ गया होगा, तो 290 रह गया होगा, तो फिर ये 89 कैसे आएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल, तो एक तो यही आंसर हो गया, 89 तो संभव ही नहीं है ना. एक अल्फा पार्टिकल मान लो इमिट आउट हुआ तो 231 हो गया, तो अल्फा पार्टिकल तो और कोई इमिट आउट होगा नहीं, क्योंकि बीटा पार्टिकल से मास नंबर चेंज नहीं होता, और वो 90 हो चुका होगा, अब बीटा पार्टिकल फिर लिमिटेड होगा तो 91 जाएगा, फिर 92 जाएगा, लाइक दैट. तो 89 तो संभव ही नहीं है. 227, हाँ 227 तीन और पाँच आठ, दो अल्फा पार्टिकल लिमिट आउट हो गया, 227 हो गया, चार की कमी आ गई, हाँ 88, फिर एक बीटा पार्टिकल, हाँ ये पॉसिबल है, यस. 225, 10, नहीं 10 की कमी तो आ ही नहीं सकती अल्फा पार्टिकल के इमिशन से, क्योंकि बीटा पार्टिकल तो मास नंबर को प्रभावित करता ही नहीं है,
नो इफेक्ट इन द मास नंबर ड्यू टू द इमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल 10 की कमी नहीं ला सकता, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यही आंसर हो गया। 207 28, 7 पार्टिकल लिमिट आउट हुए, 7 × 14 78, हाँ बिल्कुल 4 बीटा पार्टिकल, यस। तो आंसर इज ए एंड सी, सिंपल क्वेश्चन हैं, सो लाइक दैट यू कैन डू। लेट अस टेक वन और टू मोर क्वेश्चन ऑन इट, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100, ठीक है। इट फर्स्ट डिकेज इनटू एन एलिमेंट वाई, into an element y and then decays into z. ठीक है, उसके बाद क्या कहा, in both the processes In both the processes, a charged particle is emitted. A charged particle is emitted. ठीक है, which of the following can be true? Which can be true? एक से ज्यादा options इसके भी हो सकते हैं। Why? का एटॉमिक नंबर 102, बी वाई का एटॉमिक नंबर 101, सी जेड का एटॉमिक नंबर 100, डी जेड का एटॉमिक नंबर 99। चलो देख लें क्वेश्चन को, देखो एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 100 है, ठीक है। इट फर्स्ट डिकेज इनटू द एलिमेंट वाई एंड देन जेड एंड बोथ द प्रोसेसेस ए चार्ज्ड पार्टिकल इज इमिटेड। तो चार्ज्ड पार्टिकल कौन से, नॉर्मल चार्ज्ड पार्टिकल मान के चलना है आपको, या तो अल्फा पार्टिकल जिससे एटॉमिक नंबर की 2 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर ही दिया हुआ, मास नंबर के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में। तो या तो एटॉमिक अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर 2 की कमी, या बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाएगा, या फिर मान लो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन और इस तरह के पार्टिकल होंगे ट्राइटॉन तो भी एटॉमिक नंबर 1 कम होगा। यही कॉमन चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन इमिट आउट नहीं करना है, ध्यान दें, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही कहा गया है। तो इन बातों को देखें, नॉर्मल चार्ज पार्टिकल ही मान के चल रहे हैं क्वेश्चंस में। तो जरा सॉल्व करें, थोड़ा देखो सॉल्यूशन क्या, वैसे ये तो 100 था, एटॉमिक नंबर 102, वाई एक ही तो पार्टिकल इमिट आउट होना, 1 से बढ़ सकता है बीटा पार्टिकल के इमिशन से, तो 102 नहीं हो सकता, तो बस यही नहीं है। तो विच कैन बी ट्रू, ए नहीं हो सकता, बी देखें 101, हाँ बिल्कुल 1 बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट, यस। तो बी कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट। जेड 100, तो जेड की बात कर रहे हैं, पहले वाई बनेगा फिर जेड बनेगा, तो 100 आ सकता है, जैसे कैसे, एक बीटा पार्टिकल इमिट आउट हो जाए तो 101 हो गया, फिर एक पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो जाए, वो भी तो एक न्यूक्लियर पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, तो पॉजिट्रॉन से एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो 100 पॉसिबल है, यस पॉसिबल। तो बी ऑप्शन कैसे, वाई बी ऑप्शन में कैसे, 1 बीटा पार्टिकल, अच्छा सी ऑप्शन कैसे, 1 बीटा एंड देन पॉजिट्रॉन, सी भी हो सकता है, अच्छा डी भी हो सकता है, कैसे, एक पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो जाए बस, नहीं जेड पे आना है ना, तो 2 पार्टिकल इमिट आउट होने हैं, तो
पहले एक अल्फा पार्टिकल लिमिट आउट हो जाए तो दो की कमी हो गई 98, और फिर एक बीटा पार्टिकल तो फर्स्ट अल्फा एंड देन बीटा, देन एटॉमिक नंबर विल बी 99. सो आंसर शुड बी बी सी डी. सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी डन. और बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं ये. देखो एक आईआईटी का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आईआईटी एडवांस्ड में आया था. क्या क्वेश्चन है मैं देख के बताता हूँ आपको. हाँ ये समवेयर 2010 का क्वेश्चन. कितने आसान सवाल आते हैं, कई बार ध्यान दो. ऐसा नहीं कि आईआईटी एडवांस्ड में हमेशा मुश्किल सवाल ही आते हैं. तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड इमिटेड व्हेन यूरेनियम 92-235 अंडरगोज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन टू कॉन ज़ीनॉन 54-142 एंड स्ट्रॉन्शियम 3890 इज. ये है क्वेश्चन. कर लो, ये तो बड़ा आसान सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस में आते हैं इस टाइप के. तो जरा बैलेंसिंग करना. यूरेनियम 235-92 क्या क्या दिया हुआ है? ज़ीनॉन 54-142 प्लस स्ट्रॉन्शियम 3890 प्लस, जरा जोड़ना कितना हो गया, 142 और 90 232. अच्छा क्वेश्चन लिखा है भूलना मत, अंडरगोज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन. तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड ही होगा, तो 0 and 1. तो 232 और ये 236, तो 4 न्यूट्रॉन इमिट आउट होंगे. ये बैलेंसिंग एक बार कर लो. 8 और 4 12 और 5 3 8 1 9 92, दैट्स इट. तो आंसर इज 4. दैट्स इट, यही आंसर है. 4 न्यूट्रॉन्स विल बी इमिटेड आउट. मैं ये एक बार फिर बता देता हूं कि 11th क्लास स्टूडेंट्स कैन रीड अप टू दिस वीडियो लेक्चर आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद